किससे बनता है, चावल जब उगता है तो कैसे होता है, चीनी गन्ने से बनती है किससे बनती है नहीं पता होता है, राइट। तो इसलिए ज्वार बाजरा दिखते कैसे है वो आधे लोगों को नहीं पता होता। अच्छा पता भी है तो उसके बाद में फ्रेश मटर तो पता होते हैं कि हरे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ज्वार है वो जब हरी होती है तो कैसी होती है, वो ऐसी होती है। तो ये ज्वार है, हरी वाली ज्वार, और ये कली सूरत से आई है या महाराष्ट्र में इसको मतलब भून के, वहाँ पे भी सूरत में भी इसको भून के बनाते हैं, उसको गुजरात वाले बोलते हैं पौंक, यहाँ पे बोलते हैं हुरडा। इंग्लिश मीडियम में लोगों का समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि इसका कुछ रिसोटो बनाते हैं। सो यूज योर ओन इंग्रेडिएंट्स बट मेक समथिंग व्हिच पीपल गेट एक्साइटेड अबाउट, एंड दैट्स द की in using your own stuff and converting them into something which is different. So ye jo hai isme thoda sa salt main dalta hu aur thoda sa pepper bhi dal raha hu sirf vegetables mein bahut thoda sa dal raha hu aur ye jo mere paas mein paonk hai ye pak rahi hai उसके साथ में आई थॉट कि अब इतना कुछ कर रहे हैं तो चावल रिसोटो वाला तो इटालियन लोग यूज करते हैं आर्बोरियो, पर हमारे पास में चावल हमारे यहाँ का है केरला का चावल है, मटर राइस होते हैं, सब्जी का अपना अपना होता है। तो आई थॉट दैट उसको इस्तेमाल करके क्यों ना बनाएं। अब वो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए हल्का उसको पकाया है। एंड इफ यू कैन सी ये जो पॉक है कि कैसे एकदम बढ़िया से पॉक फूटनी शुरू हो गई, दैट्स नाइस एंड यू बी एबल टू गेट दैट फ्लेवर, नाइस आई कैन गेट दैट नाइस फ्लेवर, बढ़िया फ्लेवर उसका आ रहा है, मेबी लिटिल बिट मोर। सो दिस इज केरला राइस, गुजराती सूरत से आई हुई पॉक और बन रही है इटालियन डिश। एंड अच्छा इतना सारा कर रहे हैं ना, तो ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये वेजिटेबल जो है ये थोड़ी अलग है, वेजिटेबल्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा ये ना काफ़ी सारे जो मैं लाइव इवेंट वगैरह करता हूँ तो काफ़ी लोगों को बताता हूँ कि इसको किस तरह से करना है आपको, ये कैसे मिल जाएगा, हाँ पता है मुझे, इसीलिए मैं पूछ ही रहा हूँ, बोलूँगा नहीं करने से। ओके सो ये जो है व्हाट वी विल डू इज थोड़ा सा इसके अंदर वी विल एड सम stop. Fantastic. And now let's cook this little bit. मजे से ये vegetables हैं। अच्छा हमने गुजरात चले गए, हम लोग हैदराबाद से साजिद भाई को लेके आ गए, पूरी टीम देखो शेफ भी सब हैदराबाद से ना अभी तो इस फ्रॉम कलकत्ता, चलो शेफ कलकत्ते से आ गए, थोड़ा और कहीं घूम के आते हैं, एक चीज से आपको मिलवाते हैं। ये जो है ना लग नहीं रही है पर बड़ी खतरनाक सी मिर्ची है, ये मिर्ची का नाम है भूत जोलकिया, ये आसाम से। ओके तो देखो पूरा मतलब पूरे हिंदुस्तान घूम के हम लोग बना रहे हैं ये डिश। तो ये जो है इसको हाथ नहीं लगाना, चम्मच से ही थोड़ा सा इसके ऊपर वेजिटेबल्स के ऊपर डालिए, वेजिटेबल्स थोड़ी तीखी, अच्छा ज़्यादा तीखी ना बनाएं बिकॉज फिर लोग कहेंगे कि अरे हाँ बेटा किसी लड़ाई वड़ाई हो तो उसने ज़्यादा डाल दो उसको। ओके नाउ इट्स कमिंग टुगेदर, कमाल की बात यह है कि खिचड़ी ना, यहाँ पे एक अगली गली में एक छोटा सा रेस्टोरेंट लगता है, बहुत अच्छी खिचड़ी बनाता है, राइट। वो खिचड़ी 80 रुपये में बेचनी पड़ती है, साथ वाले बोल वाले रेस्टोरेंट में उसी चीज का रिसोटो बनता है 800 रुपए का होता है, इसको बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट अपनी जो चीजें हैं उसमें बिलीव करो, अपनी चीजें उनको प्रमोट करो, घर में जितनी चीजें हैं उसके साथ में और थोड़ा सा उन्हें प्रमोशन दो। अच्छा थोड़ा हर्ब्स वगैरह इसके अंदर डालते हैं, फ्रेश ऑरिगैनो आपके पास में जो भी, वो पिज्जा पिज्जा आता है ना जब, तो उसके साथ में पैकेट फ्री मिलते हैं वो वाले अभी खोल के डालने के लिए ये टाइम है,
ये वाला डायनासोर खोल के डालने के लिए. ओके एंड मे बी व्हाट वी विल डू इज एड सॉल्ट टू इट एंड लेट्स एड ये देखें ये बहुत गाढ़ी सी है इसमें थोड़ा सा दूध मिलेगा यार. चलो पानी डाल दो कोई बात नहीं मैं एक काम करता हूँ तब तक ये मेरे पास बड़ी अच्छी एस्पैरेगस है. अच्छा ये एस्पैरेगस की कहानी बताता हूँ. एस्पैरेगस आपने सुना है कभी एस्पैरेगस कभी आप मिले हैं एस्पैरेगस से. एक्चुअली इंडिया में भी बहुत बड़ी कमाल की एक आयुर्वेद में चीज़ होती है शतावरी बोलते हैं वो भी इसी फैमिली की होती है लेकिन वही शतावरी किसी को पता नहीं होती. रेस्टोरेंट में एस्पैरेगस डालने से डिश फिर से महंगी हो जाती है. ओके सो लेट्स ऐड टू थिंग्स पार्मेसन चीज. नाउ दिस इज व्हाट विल चेंज इसका पूरा जो लुक है वो बदल जाएगा. लुक एंड रुक दोनों बदल जाएंगे. फ्रेश क्रीम एंड लेट्स मिक्स दिस. बड़ा मुश्किल काम होता है कि स्क्रिप्ट के बिना बोलना मास्क लगा के बोलना दो बहनें इकट्ठे बनाना उसके बाद में एक हाथ से बनाना माइक पकड़ के बहुत मुश्किल काम होता है. इसको बोलते हैं पापों का फल. और क्या हो सकता है मतलब कि ये बॉम्ब की वजह से खुशबू अच्छी आ रही है बढ़िया लग रही है बॉम्ब. एंड दिस इज समथिंग विच इज लुकिंग गुड एंड लेट्स सी और क्या इसके अंदर थोड़ा पेपर डाल देते हैं. एक्चुअली चिली उसके अंदर है तो वी डोंट नीड मच. बस आई थिंक दैट्स इट. कंसिस्टेंसी लुक गुड. ये लो जी माइक ओपन लो. तो बस हो गया जी अब तो इतना तो हम लोग नाइस ब्यूटीफुल अब एकदम प्योर इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ में केरला मट्टा राइस के साथ में वी डिड दिस एंड लेट्स डू दिस. ये बढ़िया से जो भूत जो लकिया वेजिटेबल्स हैं भूत जो लकिया वेजिटेबल्स नाइस एकदम कलरफुल वेजिटेबल्स ग्रिल्ड वेजिटेबल्स एंड लेट्स एक काम करते हैं और चलो जी ये थोड़े से वी हैव नाइस ये मूली है लिटिल बिट ऑफ रेडिश नाइस रेडिश और ये कमाल की चीज़ जो है ना ये मैदा और पानी है और तेल है दैट्स इट और कुछ नहीं है. ये लो जी ये आपके लिए आइए साजिद भाई आपके लिए शो द कैमरा सर इधर या ये लिए इधर सर या मैं वापस आई है सब साजिद सर इधर घुमा के एक हाँ योर राइट सर थोड़ा सर या मैम सर तो इसको यहाँ रख देते हैं आपको फोटो खींचनी है.